गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ चार कंसंट्रेशन टर्म्स मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अगर हमें मोलेरिटी के बारे में जानना है तो हमको मोल्स के बारे में पता होना चाहिए और मोल्स निकालने के लिए मॉलिकुलर मास के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल शुरू से तुमको सबसे पहले एटॉमिक मासेस पे डिस्कशन करने के बाद मैं सबसे पहले तुमको तीन मासेस बताऊंगा, मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले इनको देखते हैं, फिर इन चार कंसेंट्रेशन टर्म्स को अपन डिस्कस करने। सवाल उठता है कि सर मॉलिकुलर मास क्या है, तो मैं कहूंगा कि एटॉमिक मास को जोड़ लीजिए, आप एटॉमिक मास का सम कर लीजिए, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं बेसिक सा, मैं कहूं NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23, तो तुम रखोगे 23 प्लस। क्लोरीन का एटॉमिक मास है तुम्हारा 35.5, तुम रखोगे फिर 35.5 और जोड़ कर कितना आ जाएगा, 58.5 एटॉमिक मास क्लियर हो रहा है। मैं एक और बताता हूं एग्जांपल, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तुम कहोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है सर 1, कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 लगे हैं सर, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस। सल्फर का एटॉमिक मास है सर 32 प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, जितने एटम्स लगे हैं उतने का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहेंगे अपन 2 प्लस 32 प्लस 64, जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 98। हमको एक टर्म क्लियर हो रहा है, दैट इज मॉलिकुलर मास। और मॉलिकुलर मास से ही तुम रिलेट करना फॉर्मूला मास को, किसी भी कंपाउंड का जितना मॉलिकुलर मास आएगा उसका उतना ही फॉर्मूला मास आएगा। जैसे मैं सेम सवाल करूं कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, तुम आंसर दोगे सर 58.5। फिर तुम कहोगे सर H2SO4 का मॉलिकुलर मास तो 98 है सर, फॉर्मूला मास क्या होगा, तुम कहोगे कि सर जो मॉलिकुलर मास आया है 98 वही फॉर्मूला मास में भी हम यूज कर लेंगे। इक्विवेलेंट मास डिफरेंट तरीके से निकलेगा, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट मास, तो हमने एटॉमिक मास देख लिया, एटॉमिक मासेस ये लिखे हुए हैं, इनको आप लोगों को लर्न कर लेना है। हमने मॉलिकुलर मास देख लिया, एटॉमिक मासेस को टोटल कर लेंगे हम। फॉर्मूला मास मॉलिकुलर मास के इक्वल आने वाला है, और इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, तुम कहोगे सर मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एक्स। सवाल पता है सर व्हाट इज एक्स, एक्स को कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। हालांकि एक्स की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे एसिड के लिए देखते हैं नंबर ऑफ एच पॉजिटिव, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव किसके लिए चेक करते हैं, एसिड के लिए। ऐसे ही बेस के लिए अगर अपन चेक करते हैं तो OH नेगेटिव चेक कर लेते हैं, और सॉल्ट के लिए जब अपन चेक करते हैं तो मेटल आयन का चार्ज देखते हैं। इन सब में पढ़ने से बेहतर है मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, किसी भी कंपाउंड में जो भी नेगेटिव आयन है उसकी वैलेंसी का सीधा डिवाइड दे दीजिए। जैसे NaCl है, इसका सबसे पहले एटॉमिक मास निकाल, मॉलिकुलर मास निकालिए, Na 23, क्लोरीन 35.5, जोड़ के आया 58.5, दैट इज मॉलिकुलर मास। इसी के सेम ये मॉलिकुलर मास है, यही इसका फॉर्मूला मास होगा। हम चेक करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास को, फॉर्मूला बनेगा मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। मॉलिकुलर मास कितना आया, 58.5। सवाल उठता है सर एक्स क्या रखें, एक्स रखो, देखो NaCl में Cl आ रहा है, क्लोराइड आयन पर बन नेगेटिव होता है, अब बन का डिवाइड दे दीजिए 58.5। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ आयन्स अवेलेबल करवा दूंगा जिनको आप याद कर लीजिए, और आपके एग्जाम में वो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आ जाएगा कोई ना। तीन टाइप के मास डिस्कस कर लिए, फर्स्ट वन मॉलिकुलर मास, सेकंड वन फॉर्मूला मास, थर्ड वन इक्विवेलेंट मास। अब हम इन तीन से तीन नंबर्स निकालने वाले हैं, कैसे, किसी भी सबस्टेंस का तुमको अगर वेट दिया है और तुम उसमें मॉलिकुलर मास का डिवाइड दे दो तो एक नंबर निकलेगा, क्या नंबर निकलेगा अभी देखेंगे। फिलहाल दूसरा काम करते हैं कि वेट दिया है किसी सबस्टेंस का और उसके फॉर्मूला मास का तुमने डिवाइड दे दिया उसमें, तो फिर से एक नंबर निकलेगा, नंबर का नाम रखेंगे अपन अभी। फिर तुम कहोगे सर वेट में मैं डिवाइड दे सकता हूं किसका, इक्विवेलेंट मास का। एक बार शुरू से कनेक्ट करते हैं, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास को जोड़ के निकाला मॉलिक्यूलर मास,
मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही आया तुम्हारा फॉर्मूला मास, और इक्विवेलेंट मास निकाला तुमने मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एक्स के द्वारा। एक्स वैलेंसी फैक्टर है, आयन में से निकल के आएगी। अपन लास्ट में मैं तुमको इसको अवेलेबल करा दूंगा। फिर अपन कह रहे हैं कि वेट में डिवाइड दे रहे हैं सर मॉलिक्यूलर मास का, फिर वेट में डिवाइड दे रहे हैं सर फॉर्मूला मास का, और वेट में ही डिवाइड दे रहे हैं इक्विवेलेंट मास का। तीन नंबर निकल के आएंगे। फर्स्ट निकलना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। धीरे धीरे हम मोलेरिटी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। पहला निकल के आया है नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला मास का अगर डिवाइड किया तो निकलेगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूले, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूले, फॉर्मूला फॉर्मूले प्लूरल वर्ड एक। और अगर इक्विवेलेंट का मास का डिवाइड दिया वेट में तो निकलेंगे तुम्हारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तीन टाइप के मास आए, तीन टाइप के मास का डिवाइड वेट में दिया, तीन टाइप के नंबर मिले। फर्स्ट वन नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड वन नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, थर्ड वन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इन तीनों में से जो मास होगा उसी के नाम के आधार पर अपन उसका नाम रख देंगे। यहां तक क्लियर? अब मैं तुम लोगों के साथ मोलेरिटी डिस्कस करने वाला हूं। मोलेरिटी से पहले मैं कुछ चीजें थोड़ी सी बता देता हूं तुमको। जैसे तुमने सोल्यूशन सुना होगा, जैसे अपन ने शक्कर लिया, पानी में घोल दिया, एक सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। तो सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। सवाल उठता है क्या सर दो से ही मिलकर बनेगा? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन फिक्स है कि सॉल्वेंट एक होगा, सोल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं। जैसे अपन शरबत बनाने गए, सबसे पहले शक्कर घोली, ठीक है, अच्छी नहीं लगी, फिर नींबू मिलाया तो दो सॉल्वेंट हो गए, लेमन और शुगर। फिर अच्छा नहीं लगा, काला नमक डाल दिया, अब क्या तीन सॉल्यूट हो चुके हैं। सॉल्वेंट अब भी एक ही है, वाटर। तो सॉल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक ही होगा। यहां केसेस में मैं सॉल्यूट को वी से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, आगे सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूशन को एस से। जैसे मान लो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहूंगा वी एस। तो कुछ टर्म और बताता हूं, वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाई वी, वेट रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं, स्पेलिंग से पहला वर्ड उठा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड बाई एम, इक्विवेलेंट मास रिप्रेजेंटेड बाई ई, फॉर्मूला मास रिप्रेजेंटेड बाई एफ। अब सपोज दैट मेरे को वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन का, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वी, वी इज द वॉल्यूम, मैं लगाऊंगा इसके सफिक्स में एस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे रिप्रेजेंट करना है वेट, मान लो वेट रिप्रेजेंट करना है मेरे को सॉल्यूट का, मैं डब्ल्यू के साथ लगाऊंगा बी। क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू मतलब वेट, बी मतलब सॉल्यूट, डब्ल्यू मतलब वेट, बी मतलब सॉल्यूट, पूरा पढ़ेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं कहूं डब्ल्यू ए, तुम लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं कहूं डब्ल्यू एस, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं तुमसे ऐसे लिख दूं कि सर ई, तुम कहोगे सर ई इज द इक्विवेलेंट मास, हमने निकाला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एक्स करके। तुम कहोगे सर ई बी, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मैं कहूं एफ बी, दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। मैं कहूं एम बी, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। बी लगा है मतलब सॉल्यूट है, ए लगा है मतलब सॉल्वेंट है, और एस लगा है मतलब सॉल्यूशन है। वी है तो वॉल्यूम है, ई है तो इक्विवेलेंट मास है। आगे देखते हैं पर। नाउ मोलेरिटी डेफिनेशन सबसे पहले बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। हम नंबर ऑफ मोल्स को पहले से पहचान चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला था वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट पहचानते हैं, माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मेजर कंपोनेंट, सॉल्यूट माइनर कंपोनेंट, दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लियर है हमको। अब एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मेरे साथ रिपीट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन
इज कॉल्ड मोलेरिटी। फॉर्मूला, मोलेरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा, फिलहाल बात करते हैं यूनिट पर। यूनिट बनेगी मोल, मोल्स वॉल्यूम की यूनिट लीटर, यूनिट बन रही है मोल पर लीटर। इसको जरा मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूं। मोलेरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब कंफ्यूजन हुआ सर, मोलिकुलर मास भी एम था, मोलेरिटी भी एम था। मोलेरिटी के साथ ए बी या एस में से कुछ नहीं लगा होगा, लेकिन मॉलिकुलर मास के साथ लगा होगा, क्योंकि वो सॉल्यूट का मास होगा या सॉल्वेंट का मास होगा, जो भी है। नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब किसके मोल्स हैं? सॉल्यूट के, तुमको लगाना पड़ेगा बी। क्यों लगाया सर? पढ़िए जरा इसको एक बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय वी, सॉल्यूशन एस लगा दिया। बट मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो निकलेगा तुम्हारा वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मैं कहूं एनबी, एनबी का अर्थ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वेट भी किसका आएगा? सॉल्यूट का। तुम लिखोगे सर डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर मास भी किसका आएगा? सॉल्यूट का। तुम लिखोगे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एनबी का फॉर्मूला क्या बना? डब्ल्यू बी अपॉन एमबी। यहां वीएस चल रहा है इन लीटर, देखते हैं एनबी की जगह रख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन में आया वीएस इन लीटर। कैपिटल एम का फॉर्मूला चल रहा है, और आगे थोड़ा सा लिखोगे एमबी अपॉन के अपॉन से नीचे आ जाएगा, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वीएस इन लीटर। ये है मोलेरिटी का फॉर्मूला। दो नंबर में आएगा, दो नंबर में आप डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। फिर आप लिखोगे यूनिट, द यूनिट ऑफ मोलेरिटी इज मोल पर लीटर। इट्स फॉर्मूला इज मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है अभी, यहां से निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय एन, सॉल्यूट के हैं तो लगा दिया बी, वॉल्यूम वी, सॉल्यूशन का है तो एस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चल रहा है एन लीटर। एनवी का फॉर्मूला आना चाहिए वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिकुलर मास, पिछला पढ़ा चुका हूं मैं। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास रख दिया, एमबी नीचे आ गया, फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बी अपॉन एमबी इंटू वीएस, डब्ल्यू बी अपॉन एमबी इंटू वीएस इन लीटर। मैं यही एक बात तुमको नोट कराना चाहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलेरिटी की वैल्यू कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलेरिटी की वैल्यू कम हो जाती है। रीजन यह है कि मोलेरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मोलेरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मोलेरिटी की वैल्यू कम होगी। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलेरिटी की वैल्यू कम हो जाती है। यह बात में डिफरेंस में बनेगा मोलेरिटी के साथ कि मोलेरिटी डज नॉट अफेक्टेड बाई द टेम्परेचर, while the on increasing the temperature molarity become decrease।